और आज हम राम पर बात करने एकत्र हुए हैं, वो भी गांधी के राम कैसे हैं इसे जानेंगे बातचीत के जरिए। और उससे पहले राम के विविध रूपों को देखेंगे, विविध रूप जिनको लोग अपने अपने अनुसार मानते हैं, पूजते हैं और उनमें आस्था रखते हैं, आदर्श रूप में स्वीकार करते हैं। तो राम को निराकार रूप में भी पूजते हैं और साकार रूप में भी। वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि ने भी उन पर एक बड़ी राम कथा लिखी रामायण नाम से, और बाद के कवियों ने भी काफी कुछ कथा रूप में भी लिखा और गायन भी किया। संस्कृत कवियों में कालिदास, जयदेव ने भी इन पर काफी कुछ लिखा, वो भी उपलब्ध है और आज तक उस पर लिखा जा रहा है और आज तक वह प्रासंगिक भी है ना। तो ये हम जानेंगे वाचन के जरिए, गायन के जरिए और चर्चा में इस पर बात करेंगे, गांधी के राम को समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता अनुपम दीक्षित जी और डॉक्टर सत्यव्रत जी, और साथ में गांधीवादी और विनोबा विचारों के वाहक विनोद भाई जी भी जुड़ेंगे। और कार्यक्रम में जिन बच्चों की प्रस्तुतियां हैं वो हैं बापू वर्णमाला गीत के जरिए शिवम रखेंगे, और बापू जी की कविता अपनी लिखी हुई शीतल सुनाएंगी, पायो जी मैंने भजन प्रियंका कुमारी का हम सुनेंगे, और एक कथा कहानी अब्दुल बासित सुनाएंगे, वाल्मीकि की कथा है मरा मरा या राम राम, और एक कविता सुनाएंगे रामकुमार कृषक की लिखी हुई हे राम अनुभव राज। बंदर मुझे बना दो राम, वरेण्य सुना रहे हैं। मरा ना कोई अमर हुआ ये गीत है, ये तेवर चालीसा है रमेश राज जी की, जो भव्या और मैं मिलकर सुनाएंगे। सवाली बच्चों के सवाल होंगे कुछ, आस्था दीपाली हमारे बीच में है, कल हमसे जुड़ेंगी। नीतू और तनीषा झा ये सवाल रखेंगे हमारे वक्ताओं से, और डॉक्टर साजिद खान जी भी बीच में सुन भी सकते हैं और सवाल भी रख सकते हैं और अपना वक्तव्य भी दे सकते हैं। आमंत्रित वक्ता जैसे मैंने बताया, आज हमारे बीच में डॉक्टर अनुपम दीक्षित जी, डॉक्टर सतपुरत सिंह जी और गांधी विनोबा विचारक श्री विनोद भाई जी हैं, और एक गीत आखिर में डॉक्टर मोहम्मद साजिद खान जी द्वारा, देखो दीवानों तुम ये काम ना करो। और ये बाल प्रस्तुतियां एक झलक देखिए, कौन कौन हमारे बीच में कौन कौन बच्चे हैं, वरेण्य, अनुभव राज, शिवम, भव्या, अब्दुल बासित, तनीषा झा, आस्था दीपाली और शीतल। हमारे बीच में सत्यव्रत जी जुड़ेंगे, जैसा हम जानते हैं तो उन्होंने टैगोर, गांधी व नेहरू नमस्कार की आत्मकथा का तुलनात्मक अध्ययन नमस्कार किया। अच्छा, नमस्कार, नमस्ते। जी। और उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया इन पर, टैगोर, गांधी व नेहरू पर की आत्मकथाओं पर, और 2004 से 14 तक स्कूल में प्रवक्ता रहे हैं। और आप जिसे आपने छोड़ दिया और पूरी तरह से सामाजिक कार्यों से जुड़े, बाराबंकी के बेहटा गांव में स्कूली बच्चों को पढ़ाने का काम करते रहे हैं। 2011 में 500 किलोमीटर की सर्वोदय पदयात्रा भी आपने की। और हमारे बीच में है हमारे दूसरे वक्ता अनुपम दीक्षित जी, और आप आर्टवर्क हॉबी स्कूल के संस्थापक, इतिहास राजनीति शास्त्र के अध्येता, गांधी दर्शन के स्वाध्याय लेखक, आपकी अंतरिक्ष विषय पुस्तक अब छप चुकी है ऐसा पिछली बार मालूम हुआ, पाठ्येतर गतिविधियों के कुशल निर्माता हैं आप, और घुमक्कड़ चर्चाकार के रूप में जुड़ेंगे विनोद भाई जी, और जैसा बताया विनोबा और गांधीवादी विचारक हैं, और गांधी के राम क्या हैं ये आज हम जानने एकत्र हुए हैं। अनुभव राज, आपकी जो कविता है वो आप सुनाइए पहले, क्योंकि हमारे उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। जी सर, मैं ही सुना देता। जी नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अनुराज और आज मैं आप सभी के सामने एक राम कुमार कृषक जी के एक रचना लेकर आया हूँ। रचने का नाम है, वो रचने का नाम है
हे राम, तुम्हारे नाम की हो रही है लूट। हे राम, तुम्हारे नाम की हो रही है लूट। हे राम, तुम्हारे नाम को जप रहा है झूठ। हे राम, तुम्हारे नाम से भर रहे हैं पेट। हे राम, तुम्हारे नाम से भर रहे हैं पेट। हे राम, तुम्हारे नाम पे ठग रहे हैं सेठ। हे राम, तुम्हारे नाम पे लगा हुआ है बाजार। हे राम, तुम्हारे नाम पे डाकू भी है संत। हे राम, तुम्हारे नाम पे जम रहा है व्यापार। हे राम, तुम्हारे नाम की महिमा अपरंपार। हे राम, तुम्हारे नाम से डाकू भी है संत। हे राम, तुम्हारे नाम की महिमा अपरंपार। हे राम, तुम्हारे नाम पे हो रही है लूट। हे राम, तुम्हारे नाम को जप रहा है झूठ। वाह क्या बात। हे राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुभव, और आपने व्यवधान में हमारी सहायता करी और अब संभवतः सही हो गई दिक्कत। और बापू की वर्णमाला हम बात कर रहे थे, जो शिवम की प्रस्तुति है और रचयिता रामजन सिंह शरीश, तो हम इसको आप सभी आदरणीय गुरुजनों का मेरा प्रणाम। मैं शिवम हाजिर हूँ एक बार फिर से लेकर बापू की वर्णमाला। ट से न तक, ट से टमटम पर वे चढ़कर चले कूली वरिष्ठर बनकर। ठ से ठंड से ना घबराते, तड़के रोज टहलने जाते। ड से डंडा पकड़े कसकर, मुन्ने के संग दौड़े जी भर। ढ से ढक्कन रखते बापू, खाना पानी ढकते बापू। त से तकली को दे चक्कर, ली आजादी सूत काट कर। थ से थकन नहीं आती थी, उन्हें काम की धुन भाती थी। द से दया दिखाई सब पर, छोटे बड़े सभी जीवों पर। ध से धुन की मचल रही है, रूही फूही सी निकल रही है। न से नमक बनाने गांधी, पैदल चल के पहुंचे दांडी। और ये थी शिवम की प्रस्तुति बापू की वर्णमाला, और हमारे बीच में एक और प्रस्तुति शीतल की कविता थोड़ी देर में, और हम एक भजन सुनते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई का, प्रियंका कुमारी सुना रही है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु पायो जी मैंने राम रतन धन।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हमारे बीच में देखते हैं कौन और बच्चे आए। शीतल जुड़ गई हैं, इससे पहले डिस्कनेक्ट हो उनकी कविता हम सुन लेते हैं। बापूजी, शीतल अपनी कविता सुनाओ, अपनी लिखी कविता। और ये नई कविता है इनकी लिखी हुई, शीतल। और इसके बाद अब्दुल बासित की तरफ। हाँ शीतल सुनाओ अपनी रचना। आप सभी को नमस्कार, मैं शीतल एक कविता के साथ हाजिर हूँ। इसका नाम है बापूजी। भारत की पावन भूमि पर जन्मे कई महान हैं, भारत की पावन भूमि पर जन्मे कई महान हैं। वैद्य शिक्षक चित्रकार वैज्ञानिक विद्वान हैं, वैद्य शिक्षक चित्रकार वैज्ञानिक विद्वान हैं। पोरबंदर में जन्म लिए एक ऐसे व्यक्ति महान, पोरबंदर में जन्म लिए एक ऐसे व्यक्ति महान। भारत के बच्चे हैं परिचित हैं हर एक इंसान। बचपन से ही थे शर्मीले, बात करने को ना किसी से राजी, बचपन से ही थे शर्मीले, बात करने को ना किसी से राजी। माता इनकी पुतली बाई, पिता थे इनके करमचंद गांधी। वैद्य बनना सपना था इनका, वैद्य बनना सपना था इनका। परिवार से इजाजत, वकालत की पढ़ाई करने विदेश गए छोड़ के भारत। जुल्म में देश था झगड़ा, लौट के जब वापस आए। जुल्म में था देश झगड़ा, जब लौट के वापस आए। देश की हालत देख सोचे जुल्म मुक्त कैसे की जाए। आंदोलन की बौछार चंपारण खेड़ा मिल मजदूर, आंदोलन की बौछार चंपारण मजदूर। असहयोग सविनय अवज्ञा, दांडी में चले मीलो दूर, असहयोग सविनय अवज्ञा, दांडी में चले मीलो दूर। जनता को जोश से भरते दे करके नारे उपदेश, जनता को जोश से भरते दे करके नारे उपदेश। करो या मरो भारत छोड़ो, ये है कुछ नारे विशेष, ये है कुछ नारे विशेष। विदेशी कपड़ों को त्यागे करते कभी भूख हड़ताल, विदेशी कपड़ों को त्यागे करते कभी भूख हड़ताल। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जेल में रहे ये कई साल। मिजारू ये थे बंदर तीन, भेंट बापू को किया गया था प्रतिनिधि मंडल बाय चीन। आंदोलन की मार ने कमर तोड़ अंग्रेजों की दी, आंदोलन की मार ने कमर तोड़ अंग्रेजों की दी। सच सच नमन है आपको मोहनदास करमचंद गांधी जी। धन्यवाद। बस बहुत सुंदर, आपने बहुत सारी घटनाओं को लिख के अपनी कविताओं में, हम इस पर बात भी करेंगे, वक्ताओं से पूछेंगे कि कैसी रचना थी। अब्दुल बासित जुड़े हैं क्या? अब्दुल बासित अभी नहीं है, हम आगे चलते हैं। और जैसे अब्दुल बासित जुड़ेंगे उनसे भी कहानी सुनेंगे, मरा मरा या राम राम। और अनुभव राज की कविता हो गई, वरेण्य की कविता सुनते हैं, बंदर मुझे बना दो राम। नमस्कार, मेरा नाम वरेण्य है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता बंदर मुझे बना दे राम सुनाने जा रहा हूँ। बंदर मुझे बना दे राम, लंबी पूंछ लगा दे राम, पेड़ों पर चढ़ जाऊंगा, मीठे फल मैं खाऊंगा। धन्यवाद। बहुत छोटी सी थी एक कविता और प्रस्तुत है तेवर। अभी ये कविता है रमेश राज गुप्त की, तेवर 40। वो अपनी इन कविताओं को तेवरी बोलते हैं,
तो हम तेवरी कहते हैं, ये तेवर चालीसा है और इसमें बहुत सारे प्रसंग हैं, सुनते हैं। तो प्रस्तुत है तेवर चालीसा, लिखी है रमेश राज जी ने। मरा ना कोई अमर हुआ, मीरा जैसा धर्म निभा कर तीखे विष का प्याला पाकर, मरा ना कोई अमर हुआ। बन प्रहलाद देख ले प्यारे अग्नि कुंड के बीच नहाकर, मरा ना कोई अमर हुआ। अमृत रख औरों की खातिर विष पी नील कंठ कहलाकर, मरा ना कोई अमर हुआ। इसकी एक मिसाल कबीरा नई रोशनी को फैलाकर, मरा ना कोई अमर हुआ। भगत राज सुखदेव सरी की जल्लादों से फांसी पाकर, मरा न कोई अमर हुआ। कायर मरते पीठ दिखाकर वीर वक्ष पर गोली खाकर, मरा न कोई अमर हुआ। जिसमें बैठे हों कुछ बच्चे वही डूबती नाव बचाकर, मरा न कोई अमर हुआ। भस्मासुर बनने से अच्छा अपने को सुकरात बनाकर, मरा न कोई। कठिन कार्य था हमने माना पर्वत से गंगा जी लाकर, मरा न कोई अमर हुआ। पुत्र वियोग भले झेला हो दशरथ जैसा वचन निभाकर, मरा न कोई अमर हुआ। पांच पांच पति फिर भी अबला उस द्रौपदी का चीर बढ़ाकर, मरा न कोई अमर हुआ। गुरु सम्मुख बन एक लव्य सा और अंगूठा विहस कटाकर, मरते काल बांधने वाले राम सरी के तीर चलाकर, मरा न कोई अमर हुआ। अपने डर से बाहर निकलो कायर लोगों को समझाकर, मरा न कोई अमर हुआ। जिन्हें गुलामी ही प्यारी है उनके भीतर आग बसाकर, मरा न कोई अमर हुआ। तन की नहीं वतन की खातिर अपने को आजाद बनाकर, बनना सीख संत फूले तू जो कन्याएं दलित पढ़ाकर, मरा न कोई अमर हुआ। लोग मरे कर अपनी चिंता बस औरों के लिए दुआ कर, मरा न कोई अमर हुआ। खल की सत्ता से टकरा कर ऐसा कोई काम नया कर, मरा न कोई अमर हुआ। मोम सरी खा पिघल और जल अंधकार में उजियारा कर, पत्रकार विद्यार्थी जैसा संप्रदाय की आग बुझाकर, मरा न कोई अमर हुआ। हिम्मत हो अब्दुल हमीद सी पैटन टैंकों से टकराकर, मरा न कोई अमर हुआ। भले तीर भाले झेले हो पापी की लंका को ढाकर, मरा न कोई अमर हुआ। इंद्र देव का कोप झेलते अंगुली पर गिरिराज उठाकर, टूटे हुए खेत जो देखे बादल ऐसे में वर्षा कर, मरा न कोई अमर हुआ। झट दे डालो अग्नि परीक्षा सोने सामन खूब तपा कर, मरा न कोई अमर हुआ। तिलक सरी के भाषण देकर शब्द शब्द को अग्नि कथा कर, मरा न कोई अमर हुआ। जैसे रानी लक्ष्मी बाई अर के सम्मुख खून बहा कर, मरा न कोई। जिससे डरे लोग सदियों से ऐसे अंधकार में जाकर, मरा न कोई अमर हुआ। अबला हित ज्यों झिड़ा जटायु खल से अपने पंख कटाकर, मरा न कोई अमर हुआ। जीना सब कपीश सा सीखो सुरसा के जबड़ों में जाकर, मरा न कोई अमर हुआ। मन यदि ही जैसे संपाती सूरज से तन को जलवा कर, मरा न कोई अमर हुआ। लिंकन सा संकल्प अगर हो जाति भेद का रूप मिटाकर, मरा न कोई अमर हुआ। लड़ो लड़ाई तुम ले निंसी मजदूरों का हक दिलवाकर, मरा न कोई अमर हुआ। मिट जाओगे मीर जाफरो देश प्रेम में प्राण लुटाकर, मरा न कोई अमर हुआ। मिले चुनौती लंकेशों को अंगद जैसा पांव अड़ाकर, मरा न कोई अमर हुआ। गुरु नानक सा बनना अच्छा धर्मों के पाखंड बताकर, मरा न कोई अमर हुआ। जिनमें धधक रही हो ज्वाला खल को वो तेवर दिखलाकर, मरा न कोई अमर हुआ। अहंकार में ऐठ रही जो उस गर्दन तलवार चलाकर, मरा न कोई अमर हुआ। मृत्यु ही जिसकी रहस्य हो उस रहस्य में उलझे रहकर, मरा न कोई अमर हुआ। जीत भले जाए हिंसा से मगर कठिन अनशन अपना कर, मरा न कोई अमर हुआ। मरा न कोई अमर हुआ।
ये थी प्रस्तुतियां। और अब्दुल बासित अगर हैं तो हमें अपनी कहानी सुना सकते हैं। और सवाली बच्चे सभी उपस्थित दिख रहे हैं, सभी का नेटवर्क सही, तो इस बात की बहुत खुशी कि अब्दुल बासित जैसे ही जुड़ते हैं तो उनकी कहानी भी सुनेंगे। उन्होंने अच्छी तैयारी करी है वाल्मीकि कथा सुनाने की। तब तक हम शुरू करते हैं पहले फीडबैक रचनाओं पर। सत्यव्रत जी बच्चों की रचनाओं पर फीडबैक दें, और साजिद जी भी, अनुपम जी भी। हाँ सत्यव्रत जी। जी 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 नहीं, अद्भुत रचनाएं हैं, विशेष करके वो कविता जो गांधी जी की यात्रा पूरी उन्होंने एक कविता में हमें रेखांकित कर दी, बहुत ही खूबसूरत। अनुभव का तो हम कायल हैं कि अनुभव तो लगातार जो है अपना नया कुछ न कुछ डालते रहते हैं, हमारे लिए भी हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और ये तेवर चालीसा तो एकदम क्रांतिकारी है ना, आरोहण की बात कर रहा है, आंदोलन की नहीं आरोहण की बात कर रहा है। ये तो आंदोलन जैसा कि विनोबा जी कहते थे कि हिलता डुलता रहता है, कम ज्यादा हो सकता है। आरोहण वो कहते थे कि नाम आरोहण दिया जाए, नित्य आगे बढ़ने की बात है। तो वही बात है, ये आरोहण पैदा करने वाली कविता थी। तो एक तो आप समेटते बहुत अच्छा है, इतना सुंदर संकलन, ये बड़ा खूबसूरत लगता है, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया जी। मोती चुनना कार्य है, रमेश राज जी ने लिखा सुंदर, तो रचनाएं तलाशना बच्चों के लिए हमेशा जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी आपको कैसी लगी बच्चों की रचनाएं? ये बहुत ही अच्छी रचना थी, अनुभव राज की भी अपनी बढ़िया रचना थी, और अभी जो इनके रचयिता का नाम मैं नहीं देख पाया, ये जो अभी पिछली वाली थी, लेकिन ये रमेश राज जी हैं, छंद के आचार्य हैं। ओके, तो रमेश राज जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने इतनी बढ़िया शब्द और इतनी बढ़िया धुन, खास करके बच्चे के उसका प्रयोग, बड़ी रवानगी थी इसमें और जोश भर देने वाली और बहुत सारी चीजों को सोचने वाली कविता, तो मुझे बहुत पसंद आई, धन्यवाद। शुक्रिया। साजिद खान जी आपको रचनाएं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ प्रतुल जी, सबसे पहले तो ये जो आप कार्यक्रम करते हैं बहुत ही अच्छा लगता है, मैं इसमें शामिल होने की पूरी कोशिश करता हूँ। बच्चों ने, खासकर बच्चों ने जो सुनाया है अनुभव, तो खैर हर बार सुनाते ही हैं, इस बार और जो बच्चों से मैंने सुना वरेड़ से, और भी जो सुनाया था विशु, हाँ शीतल ने, बहुत अच्छा सुनाया। और मजे की बात है कि बच्चे अपने मन की अभिव्यक्ति जो इसमें कर रहे हैं वो पूरी की पूरी आज के समय समाज को देखकर करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और रमेश राज जी की जो रचना है तो मैं मिला हूँ, बहुत अच्छा लिखते हैं रमेश राज जी। एक थोड़ा सा मुझे उस पर चर्चा करना है कि वो चीरहरण वाला एक प्रसंग आया था और एक अग्नि परीक्षा वाला प्रसंग आया था जी, तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा सा पुनर्विचार की जरूरत है। चीरहरण के बाद कोई अमर होना अच्छी बात नहीं लगता मुझे, तो चीर बढ़ाकर, हाँ चीरहरण तो करना बुरी ही बात है, चीर बचाना, सुनने पर हाँ चीर को वस्त्र देकर, हाँ हाँ तब ठीक है। हाँ और दूसरा एक प्रसंग वो था अग्नि परीक्षा वाला, अग्नि परीक्षा, उस पे सवाल जवाब होंगे आज, वक्त आया इसलिए हमारे पास आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत ही असर गर्भित है जी। धन्यवाद। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, तो बच्चे बीच में अपने मन की बातें अगर जोड़ना चाहें तो सवालों के साथ वो भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले शीतल आप अपना सवाल करना चाहते हैं तो आप कहिए सबसे पहले। जी मेरा सवाल है सत्यव्रत सत्य जी, जैसा कि राम वचन को निभाते थे और गांधी जी व्रत करते थे, मतलब दोनों ही बात को पूरी करने को संकल्पबद्ध होते हैं, क्या इस राम के वचन और गांधी जी के व्रत में कुछ फर्क है, या गांधी जी ने वचन निभाने को ही व्रत का नाम दे दिया है? वचन और व्रत के बारे में सवाल है। हाँ हाँ, मैं इसको मैं जो दृष्टि देखता हूँ वो रखना चाहूंगा यहाँ पे, मानो मतलब हम एक मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं
तो महज मनुष्य की आकृति प्राप्त करना मनुष्य होने जैसा नहीं है। हमारा जन्म जब होता है तो हमारी जो चेतना होती है वो पशु की चेतना होती है, और उसके बाद ये जो हम यात्रा करते हैं मानव बनने की, वो मानव बनने की प्रक्रिया में हमारी पीढ़ियां या हमारे समकक्ष के लोग हमको महात्मा या भगवान या महर्षि या महापुरुष का दर्जा देते जाते हैं। तो ये जो मानव बनने की प्रक्रिया है वो चाहे वचन दे करके हो चाहे व्रत रख करके हो, इन दोनों को के अलावा भी कई और लोगों ने मानव बनने की प्रक्रिया में रास्ते अपनाए हैं। तो कोई बुद्ध हुआ है, कोई कबीर हुआ है, कोई गांधी हुआ, कोई राम हुआ, कोई कृष्ण हुआ। मैं राम और कृष्ण की श्रेणी में ही गांधी को भी रख रहा हूं, क्योंकि हम देखें तो ये इनकी यात्रा जो है मानव होने की ही है। एक मानव कितने आयामों में जी सकता है उसी की है। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा शीतल जी कि जैसे राम वचन लेकर के निर्वाह करते हैं वैसे ही गांधी व्रत रख करके निर्वाह करते हैं। तो जो राम का वचन है वो गांधी का व्रत, और ये दोनों जो है और कुछ नहीं कर रहे हैं, मानव की पूर्णता की यात्रा कर रहे हैं। मैं मानव हो जाऊं, मैं पूर्ण मानव हो जाऊं, उसी की यात्रा कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ पाया। क्यों शीतल बेटा जी? जी अनुपम जी आपका ज्यादा कठिन तो नहीं हो गया? पूर्णता की यात्रा है हमारी। अनुपम जी, सत्यव्रत जी ने बहुत ही अच्छा आयाम दिया कि मनुष्य की पूर्णता की यात्रा जो है वही राम होना है, या उसी को वो ईश्वरत्व की प्राप्ति कर रही है। गांधी को हालांकि मैं दैवीय नहीं मानता हूं, ना ही उन्हें देवता के समकक्ष रखना चाहता हूं। गांधी एक मनुष्य थे और वो हम सब लोगों के सामने मनुष्य होने के नाते एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि हम कैसे हो सकते हैं। स्वयं गांधी ने कहा था कि दया, दान, शील, सत्य, अहिंसा, अस्तेय जैसे जो गुण हैं, क्या ये दैवीय गुण हैं? ये तो वो गुण हैं जिन्हें एक मनुष्य में होना ही चाहिए। यानी एक असभ्य व्यक्ति से सभ्यता की तरफ जब जाने की समाज ने कोशिश की तो उसने इन गुणों को पहचाना कि ये वो आधारभूत गुण हैं जिन्हें होना चाहिए। तो राम राज्य के बारे में भी अगर गांधी जी कहते हैं तो वो इन्हीं इन्हीं चीजों के संदर्भ में कहते हैं। तो ये मनुष्य होना ही है, दरअसल राम होना मनुष्य होना ही। स्वयं ईश्वर, अगर ईश्वर को ये बताना होता कि नहीं तुम ईश्वर हो जाओ तो वो ईश्वर के रूप में ही हमारे सामने आते। उन्होंने राम के रूप में नर का अवतार लिया और वो हमारे सामने आए और मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए। यानी आप एक आइडियल रख रहे हैं सभी नरों के सामने कि आप ऐसे हो सकते हैं, अब होकर दिखाइए। हमने तो होकर दिखा दिया, अब आपकी बारी है। रामायण हमें यही वचन देती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गांधी को मैं भी ईश्वर नहीं मानता हूं, और हमें ये लगता है कि हम सब लोग जब मानव होने की प्रक्रिया में जाएंगे तो हो सकता है कोई हमको गांधी कहे, हो सकता है कोई हमको राम कह दे, हो सकता है कोई हमें कृष्ण कह दे, ये अन्य लोगों की बात है, लेकिन हम रहते मानव ही हैं। सुंदर, आनंद आया उत्तर सुनकर। शीतल जरूर समझी होंगी, ऐसा विश्वास है। आस्था दी पहले आपके सवाल। नमस्ते, मेरा प्रश्न अनुपम सर से है कि जब हम रामलीला देखते हैं या फिर टीवी पे उसका प्रसारण रामायण देखते हैं तो हमें एक जगह राम का निर्णय अनुचित सा लगता है। जब वे सीता को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहते हैं, वो भी एक बार नहीं दो दो बार, क्योंकि हम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और आदर्श पुरुष कहते हैं, एक पत्नी व्रति राम कहते हैं, तो क्या वे अपने पति को आग में से झोंक सकते हैं? तो और
मेरा प्रश्न ये है कि क्या यहाँ पर अग्नि परीक्षा का अर्थ कोई दूसरा तो नहीं है? और इसके साथ ही अगर हम सामान्य जिंदगी से जोड़े तो परीक्षा देना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बाल मन में दहशत पैदा करती है। तो ये दो प्रश्न। बहुत अच्छे और बड़े बड़े खतरनाक से क्वेश्चन आपने पूछे हैं। और एक चीज ये भी बताता चलूं कि दुनिया भर में जो आपके रामचरितमानस के रचयिता हैं तुलसीदास जी और रामायण, दुनिया भर में सबसे ज्यादा शोध हुए जाने वाली पुस्तक के रूप में प्रतिष्ठित है। और राम के तमाम निर्णयों और उनके कार्यकलापों पर बहुत सारे शोध हुए हैं। और हर एक चीज में विद्वानों की एक आदत होती है कि वो तमाम तरह के एंगल निकाल लेते हैं। तो राम की भी जो अग्नि परीक्षा की जो आग्रह था सीता के लिए, या दूसरे और निर्णयों की अगर हम बात करें, तो उसमें कई प्रकार के एंगल हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी जिसकी जो कल्पना होती है, जिसका जो संदर्भ होता है, उसी को उठाकर वो राम को करना चाहेगा। इसलिए राम के इस निर्णय की व्याख्या मैं दोनों तरह से कर सकता हूं, जो स्त्रीवादियों को अच्छी लगे उस हिसाब से भी, और जो पुरुषवादियों को अच्छी लगे उस हिसाब से भी। अंतिम निर्णय कहीं कुछ नहीं होगा। तो परिस्थिति के अनुसार आप राम के निर्णयों को उठाइए और उनसे जो आपको अंतः प्रेरणा मिलती है, ये गांधी जी का कथन है कि आपकी अंतः प्रेरणा आपको रास्ता दिखाती है, क्योंकि वही ईश्वर का जो है वो होती है। तो जो भी राम के निर्णय हैं, अगर आपको राम के निर्णयों को अपने आगे रखना है, तो राम के निर्णयों को परिस्थिति के आधार पर जज कीजिए और आपकी अंतः प्रेरणा जो कहे वो करिए। ये एक सबसे बड़ा जो है वो इसमें बच्चों के लिए संदेश है कि रामायण को कैसे समझा जाए। रामायण को आप अपने संदर्भ में समझिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर जब गांधी जी से कहा गया कि भाई राम राज्य के बारे में आप हमें बताइए कि आपका राम राज्य जो है वो दैवी राज्य है, तो गांधी जी ने एक चौपाई पढ़ी, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहू व्यापा, सब नर करही परस्पर प्रीति चलही सुधर्म निरत शुत नीति। तो अब इसमें जो दूसरी लाइन है वो बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है कि सब नर करही परस्पर प्रीति, यानी सभी नरों को आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, यही रामराज्य है। अब इस रामराज्य को वर्तमान संदर्भ में ले लीजिए, पिछले 70 सालों के संदर्भ में ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम दंगों के संदर्भ में ले लीजिए, ज्यू और फलिस्तीनियों के संदर्भ में ले लीजिए, तो आपको हर संदर्भ में ये चीज मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये दैवीय राज्य नहीं है, ये तो मनुष्य और मनुष्य के बीच में किस तरह से समानता न्याय और बाकी चीजों को अपनाया जाए, ये चीज है। ऐसी ही व्याख्या हम आपके लिए सीता और उन परीक्षाओं के बारे में कर सकते हैं कि जैसे कि तुमने प्रश्न जहां पर छोड़ा कि क्या ये कोई और परीक्षा तो नहीं थी, बेशक हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं राम ने वो परीक्षा कहने के लिए नहीं ली थी, वो तो ये थी परीक्षा, तो हम कोई दूर की कौड़ी लाकर आपको संतुष्ट कर दें। पर मेरे कहने से आप संतुष्ट मत होइए, वर्तमान परिस्थितियों में उसकी व्याख्या कीजिए, जो व्याख्या आपको जचती हो वो एक्सेप्ट कीजिए, जो न जचती हो वो छोड़ दीजिए। यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी ताकत है कि हमारा जो धर्म है वो बहता पानी है, ये सबको आत्मसात करता है, ये समय के हिसाब से चलता है, ये ठहरा हुआ धर्म नहीं है। तो राम ने क्या किया, उसे आज की कसौटी पर खड़ा उतारिए और आगे बढ़िए। आस्था जी और कोई सवाल? जी सर, एक प्रश्न और। इसमें सत्यव्रत जी कुछ करें। मैं सबकी बात से पूर्ण सहमत होते हुए इसको थोड़ा सा, और मुझे लग रहा है कि मैं कुछ जोड़ूं इसमें। बिल्कुल आस्था जी, तो कहना सिर्फ इतना है, जैसा कि बेटिया ने कहा कि क्या मतलब देना परीक्षा भय पैदा करता है, ये तो नजरिए से देखा जाए तो आप विश्लेषण करना एक परीक्षा जैसा ही है, और आत्म विश्लेषण करके आने को और सुध करना को अपनी गलतियों को ठीक करना आवश्यक है।
दूसरे भारत को है। आपके सिग्नल वीक हैं सत्यव्रत जी, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। हेलो, अभी ठीक है क्या? आप ठीक हैं? मैं ये कह रहा था कि भारत पे थोड़ी पितृ सत्तात्मकता थोपी जाती है, ये बात गांधी में भी दिखता है, ये बात एक बार जी की माँ कहती है कि अगर मैं पुरुष होती तो मैं बताती ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाता है। तो भारत के मानस में धीरे 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 कहीं से ये बात आ गई, हमारे पुरुष में कुछ असमानता है, और क्योंकि हमारे यहाँ कई तरह के सभ्यताओं का जो है आना जाना लगा रहा है ना। गांधी लेकिन कहते हैं कि, एक बात मैं इसमें और जोड़ूंगा, गांधी कहते हैं कि भारत की सभ्यता विश्व की सारी सभ्यताओं से कहीं ज्यादा बड़ी है, और इसकी सभ्यता के आगे अन्य सभ्यताएं खत्म होती गई हैं, क्योंकि उनके मूल में जैसा कि दीक्षित जी ने कहा कि प्रेम नहीं रहा, संघर्ष ज्यादा रहा, हिंसा ज्यादा रही। तो जो मूल भावना है प्रेम की, वो भारतीय समाज की सभ्यता में रहा है। ऐसा नहीं है कि फिर हम ये कहें कि नहीं, हम केवल प्रेम ही करते रहे हैं और सदियों से हमें प्रेम ही रहा है, तो ये हिंसा क्यों हुआ है? हिंसा भी होता रहा है, लेकिन इसको सुधारने के लिए समय समय पर आप देखो तो राम के बाद बुद्ध, बुद्ध के बाद कबीर, कबीर के बाद गांधी, ये सब केवल इनके संदेश को देखोगे तो एक और एक संदेश देते हैं कि मानव का मानव से प्रीत हो। अब वो मानव है, मानव में स्त्री पुरुष और फिर स्त्री पुरुष के बाद जाति धर्म, इनका विभाजन तो ये हम लोग करके देखने लगे हैं, या हमको इस तरह की तस्वीर दिखाई जाती है कि हम चीजों को बिखरा हुआ टुकड़ों में विभाजित देखने की हमारी एक दृष्टि बन गई है। हमारी दृष्टि को हमें ठीक करना होगा। पूर्णता जिसको गांधी कहते हैं कि सत्य वो है जो पूर्ण है, तो पूर्णता मानव होना है, और मानव होने में हम इस नजरिए से न देखें कि गांधी ने बा को प्रताड़ित किया, राम ने सीता को प्रताड़ित किया, है ना, ये प्रताड़ना नहीं है, ये एक दूसरे की पूरकता है। जब पाखाना साफ करने के लिए गांधी टॉलस्टॉय फार्म से बा को कहते, या तो तुम पाखाना साफ करोगे, तो वही मैं कह रहा हूँ कि गांधी भी लेकिन उनको जैसे ही ये महसूस होता है कि उन्होंने बाप पे हिंसा किया, उन्होंने माफी मांगी है बाप से, और उनको वापस अपने कहा है कि नहीं, मैं मुझे माफ करिए, मैं जो गलत कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, अपने विचार को मैं थोप नहीं सकता आपके ऊपर। तो ये तो केवल एक क्या है ना कि ये जीवन यात्रा है, इसमें हम चीजों को विभाजित करके ना देखें, है ना, हम इसको पूर्णता में देखें और एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करके एक दूसरे को पूर्ण करने की कोशिश करें। ये केवल स्त्री पुरुष के लिए नहीं है, ये समाज के हर व्यक्ति के लिए है। मैं जैसे डॉक्टर माजिद या साजिद, मुझे एक मिनट, और हमारे एक मेहमान है, उन्होंने भी दो सवाल उनके दिमाग में आया था, मैं उस पर ये बात कह रहा हूँ कि ये विभाजन हमारे मन में बिठाया गया, हम विभाजित नहीं रहे। और भारत की सभ्यता, अनुपम सर, क्या राम नाम अबाओं को राम नामधारी सूची में रखना चाहिए? क्या एक बार फिर से दोहराइए प्रश्न। क्या राम नाम वाले बाबाओं को जिनके नाम में राम आता है, आशा राम हुए, राम रहीम हुए, और भी बहुत सारे राम हैं, क्या राम नाम वाले बाबाओं को राम नामधारी सूची में रखना चाहिए? लोग अपने नाम में राम जोड़कर गलत काम कैसे कर पाते हैं? क्या वे राम को नहीं पूजते, राम को नहीं मानते? कुछ संतो आज भी जेल में बंद है जो राम नामधारी है, नाथुराम के अलावा भी बहुत सारे राम हैं। देखिए, एक रावण नाम के भी हैं जो अभी नेताजी हैं, है ना? जी, जी, जी। तो यहाँ तो यही कहना उचित रहेगा, शेक्सपियर का कथन, व्हाट्स इन अ नेम, तो नाम से ही सब कुछ नहीं होता, आपको अपने नाम को सार्थक करना पड़ता है। तो आप राम रहीम बने या फिर राम सेवक बने या कुछ भी बने, रामपाल, राम सेवक, राम रहीम, आशा राम, ये सब राम ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि दरअसल राम बिकेंगे। तो ये राम का बिजनेस करने वाले लोग हैं, ये असली राम के भक्त नहीं है। राम का जो भक्त होगा वो तो राम राममय हो ही जाएगा, उसको नाम रखने की जरूरत नहीं है, उसका तो अनाम भी रहेगा तब भी वो राममय होगा।
तो इसलिए ये जो है वो भाई कबीर थे, कबीर से पूछा गया कि आप राम राम जपते हैं क्या, कौन है? उन्होंने कहा मेरे मेरे राम वो नहीं है जो तुम दशरथ के नाम कहते हो, मेरे राम तो कंकड़ में बसे हैं राम। तो एक कंकड़ का पत्थर भी उठा लिया वो भी राम बन जाएगा ना, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा वाली बात है। तो ये बहुत सुंदर रही आज की चर्चा। और हमारे बीच में हैं मोहम्मद साजिद खान जी, और जो एक गीत सुनाएंगे और चर्चा का सुखद समापन जी, और मन में हम एकादश व्रत का जाप भी करेंगे जैसा पिछली बार विनोद भाई जी ने कहा था कि होना भी चाहिए। हाँ साजिद खान जी एक गीत। जी 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 बिल्कुल। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। जीत लो मन को पढ़ कर गीता, जीत लो मन को पढ़ कर गीता। मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आँख चुराई, राम दुहाई। जीवन नाम है काम का आराम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, बदनाम ना करो। बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। आपके सुर और शब्द दोनों ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पसंद आया।
धन्यवाद सर, धन्यवाद, आनंद आ गया। और हम इस सत्र का संक्षेप में समापन यूं करेंगे कि आज बहुत सारी बातें हुई हमारी पूर्णता की यात्रा बताया सत्यव्रत जी ने, गांधी जी के एक पत्नी व्रत को, और मनुष्य उसमें ये बताया कि असभ्यता से सभ्यता की ओर जाना है, गांधी जी का गांधी जी का एक पत्नी व्रत को लेकर जो सोच है अनुपम जी ने बताया, और अपराध एक अपराध के लिए उन्होंने कहा एक क्षणिक आवेग है, और बहुत सारी और भी सत्य के प्रयोग में उन्होंने ब्रह्मचर्य के प्रयोग का भी समावेश करके उसको उसका उल्लेख किया, और जो उनके आत्मकथा में चर्चा में आया है ये, तो और भी बहुत सारी बातें हमने जानी। अग्नि परीक्षा के बारे में एक स्पष्टीकरण मिला हमें, हमारे जो बाल मन में दहशत को लेकर आता है, लेकिन उस पर एक नया दृष्टिकोण हमें प्राप्त हुआ, और इसमें बहुत सारी और भी बातें हमें मिली जिसको समग्रता में अनुपम जी एक बार रखेंगे कि अनुपम जी एक बार और रख दीजिए। धन्यवाद प्रतुल जी। एक और मैं अभी आपने जो शब्द प्रयोग किया तो उसमें बाल मन में दहशत वाला जो एक फ्रेज है, इस पर मैं और कहना चाहूंगा कि जो पेरेंटिंग में अक्सर मेरे सामने ये आते रहते हैं प्रश्न, मदर फादर जो है वो लेकर आते हैं कि हमारे यहाँ एक कोर्स चला करता है जिसमें हम स्टोरीज सुनाते हैं बच्चों को, तो उस स्टोरीज में एक बार एक मदर आई और मुझसे उन्होंने स्पेशल कहा कि नहीं मुझे सर से मिलना है और मुझे उन्हीं से बात करनी है। तो मैंने कहा भाई कोई बात होगी, कोई शिकायत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने कहा ठीक है भेजो। तो वो आई और उन्होंने कहा कि नहीं मुझे ये आपके यहाँ जो क्लास में स्टोरी का जो चुनाव होता है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरे अपने बच्चे के लिए ठीक नहीं। मैंने कहा क्या हुआ कि क्या किस तरह की बात हो गई? उन्होंने कहा हो सकता है कि टीचर ने कोई हल्की स्टोरी चूज कर ली हो, कोई बात हो गई हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो ये कहानियां सुनाई हैं उन्होंने और उसमें बड़ा खून खराबा है। उन्होंने कहा नहीं वैसे हम बड़ा ध्यान में रखते हैं लेकिन क्या हो गया, कौन सी कहानी आपको आपत्तिजनक हो गई? तो उन्होंने पंचतंत्र की कुछ कहानियों का नाम लिया जो कि क्लास में सुनाई गई थी। मैंने कहा हमारे बच्चे तो बहुत दिनों से ये कहानियां सुनते चले आ रहे हैं कि नहीं हमारा बच्चा जो है वो काफी सेंसिटिव है और उसे ये मारधार वाली कहानियां कि शेर ने खरगोश को खा लिया उस बेचारे के बाल मन पर क्या असर पड़ेगा। तो अब मैं उनसे क्या कहूं, क्योंकि अब सामने वाला जब तक कोई समझने वाला हो तब तो उनसे कुछ कहा जाए। तो मैंने उनसे माफी मांगी, मैंने कहा मैं देखता हूं मामले को, आपको ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन ये आधुनिक पेरेंटिंग की विडंबना है कि बाल मन को इतना नाजुक मान लिया जाता है कि वो जो, और वही बालक जो है वो शेर का बच्चा रोज शिकार करता है, वही जो बकरी का बच्चा है वो उसका शिकार बनता है, उसके मन के बारे में तो कोई नहीं सोचता। तो प्रकृति के पास जाने से कोई राक्षस नहीं बन जाता, प्रकृति से दूर करने पर ही राक्षस बनता है। तो जो कहानियां या अब जैसे यही है, जब मैं छोटा था तो ये जो कहानी है सीता जी की अग्नि परीक्षा जब सुनाई तो बच्चों की कल्पनाशीलता में संदर्भ लेने की बड़ी ताकत होती है जी। तो मैं तुरंत समझ गया कि नहीं सीता जी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि वो तो देवी हैं। देवी हम हुए होते तो शायद ये होता। मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का था। तो ये बच्चों में अपने आप में समझ होती है कि इससे दहशत पैदा ना हो, बल्कि ये वो तुरंत समझ जाते हैं कि किस चीज को हमें किस उसमें लेना है। तो इसलिए बच्चों की समझ पर हमें भरोसा करना चाहिए। और जहां तक समरी की बात है तो डेफिनेटली गांधी जी के जो पूरा जीवन है वो हमारे लिए अनुकरणीय है। गांधी को हम कई दृष्टियों से देख सकते हैं, जिस तरह से राम को देखा जा सकता है वैसे ही गांधी को देखा जा सकता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनके आखिर सपने कौन से थे। जब हम ये कहते हैं कि बापू जी के सपनों का भारत बनाना है तो एक तो उन्होंने अपनी किताब में ही बताया कि मेरे सपनों का भारत, लेकिन इसके अलावा वो सूत्र वाक्यों में यही कहना चाहते थे कि ये भारत तब तक स्वतंत्र नहीं होगा जब तक हम अपनी सभी बेड़ियों से स्वतंत्र नहीं होते। तो उनमें से बहुत सी बेड़ियां आज भी बनी हुई हैं हमारे अंदर,
जैसे जाति प्रथा से लेकर और बाकी जो तमाम व्यवणियां हैं उस अभी तक बनी हुई है। तो चाहे आप गांधी को माने या ना माने, चाहे उनको देवता माने, चाहे उनको राजनीतिक व्यक्ति माने, चाहे उनको कुछ भी माने, लेकिन अगर हम अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं जो गांधी ने सिखाया था, तो हमें ये जरूर मानना चाहिए कि हमें अपने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यही गांधी के सपनों का भारत बनाने की दिशा में हमारा एक छोटा सा योगदान होगा। आपको जो भी बुराइयां हो अपने आप से शुरुआत करना चाहिए। एक उदाहरण मैं देता हूं कि जैसे दहेज की बात है, तो हमारे पिताजी ने दहेज लिया, वो उनका जमाना था। हमारे चाचा जी ने बिल्कुल दहेज नहीं लिया। मैं आया तो जब मेरे उस विवाह की बात आई तो जैसे गांधी जी, अभी बच्चों ने कहा कि गांधी की 3 शादियां हुई थी, गांधी ने कहा कि अगर मैं बड़ा होता और मैं इस बारे में सक्षम होता कि विरोध कर पाता तो मैं जरूर करता, वही हालत मेरी थी कि अब सब मुझे चाहते थे कि मैं घोड़ी पर चढ़ूं और बारात लेकर जाऊं और जो है 200-250 लोगों के साथ जो है वो एक जलसा करूं जिसमें किसी का कोई मतलब नहीं है। लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, चले जाएंगे, याद तो हमें रखना है, तो हम अपने लिए पर्सनली यादगार बनाए। मैं ये चाहता था कि ये आयोजन छोटा हो, पर वो नहीं हो पाया। दहेज की भी बात है तो मैं बिल्कुल ही जीरो नहीं कर पाया, जो जिसने दिया, मांगा जरूर नहीं लेकिन जिसने जो दिया। अभी हाल ही में मेरे ये कजिन की शादी हुई, उसने वो आया कि मैं दहेज नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन मम्मी पापा लेना चाहते हैं। मैंने कहा तुम वही करो जो, क्योंकि तुम मुझसे 10 साल छोटे हो, तो पीढ़ी बदल गई, अब तुम में ज्यादा मेहनत वो हिम्मत है, क्योंकि हम में उतनी मेहनत हिम्मत नहीं थी, तुम में ज्यादा हिम्मत है तो तुम ये कर सकते हो। उसने किया, सक्सेसफुली उसकी शादी हो गई बिना दहेज के। तो प्रयास निरंतर करना चाहिए, व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। तो दहेज हुआ, सती प्रथा हुई, बाल विवाह हुआ, इन सब चीजों के बारे में हमें ये देखना चाहिए, चाहे भले ही आप गांधी को माने या ना माने, मेरा ये मानना है। तो ये जी बहुत सुंदर, और यहाँ से बहुत सारे सवाल और भी आ रहे हैं लेकिन वो अगले सत्र में पूछने का मन है, क्योंकि यहाँ विरोधाभास भी आ जाता है जब आप ये कहते हैं कि दहेज छोड़ते जाना चाहिए, सभ्यता की तरफ चलना है, और एक तरफ गांधी जी ने ये दिमाग से अभी निकल गया कि कहा था कि निकल गई बात, यहाँ पर वो विरोधाभास है अभी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? दहेज के पक्ष में अक्सर ये बात कही जाती है कि फिर लड़की को याद आया अनुपम जी, जब आप ये कहते हैं ना कि विवाह संतान के लिए नहीं होता, वो संपत्ति और उसको हस्तांतरण के लिए भी होता है, संपत्ति तो वो दहेज के रूप में दिया जाए या फिर वो वैसे ट्रांसफर कर दी जाए। हाँ, इसीलिए तो विवाह संस्था का जो है वो रिलेवेंस तभी तक है जब तक कि संपत्ति का जो है आहरण आगे तक जा रहा है। भाई अब डॉटर्स भी सक्षम है, वो भी सर्विस कर रही हैं, वो भी अर्न कर रही हैं। पहले जो है वो संपत्ति का अधिकारी केवल पुरुष हुआ करता था, स्त्री नहीं होती थी। हमारे धर्मशास्त्र जो है स्त्री को संपत्ति का अधिकारी नहीं मानते, वो अर्न नहीं कर सकती, उस स्त्री धन के तौर पर उसको जो उपहार में मिले वही उसका धन होगा। तो दहेज प्रथा के पीछे जो है वो कारण ये है कि जैसे कि बेटी को उसका हिस्सा देकर विदा कर दिया जाए, क्योंकि वो तो दूसरे गोत्र में जा रही है, इसलिए उसको विदा कर दिया जाए, उसका हिस्सा दे दिया जाए और बाकी जो बचा वो अपना पुत्रों का होगा। अब लेकिन समाज बदल रहा है, तो बदलते समाज में इसका जो है वो स्वरूप भी दूसरा होना चाहिए ना। तो जब समाज बदल रहा है यानी स्त्री अब सक्षम है, अर्न कर रही है, स्त्री को संपत्ति का अधिकार है, तो अभी ये जो संपत्ति का अधिकार है ये केवल पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं रहा बल्कि स्त्री की संपत्ति का अधिकार भी रहा। इसे पुराने कानूनों और पुराने तरीकों से नहीं किया, इसलिए विवाह की नई परिभाषा गढ़ना भी जरूरी है। जी, तो विवाह का निरंतर स्वरूप जो है, और इसमें प्रयोग चलते हैं जैसे लिविंग जो रिलेशनशिप है वो भी इसी तरह का एक स्वरूप है कि हाँ भाई विवाह, हम साथ में रहे वही विवाह है, हमने आपस में मान लिया तो वही विवाह है। हालांकि ये भी देखा गया कि वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया लिविंग टुगेदर वाला मामला, क्योंकि दुनिया भर के समाज जो है अभी भी विवाह को मान्यता देते हैं, क्योंकि उससे एक व्यवस्था पैदा होती है, अव्यवस्था नहीं, अराजकता पैदा नहीं होती। जी। तो ये निश्चित तौर पर एक्सपेरिमेंट ही है, ये निरंतर प्रगति है जिनसे आगे चीजें आएंगी, लेकिन हाँ विधवा आर्थिक प्रश्न ज्यादा है।
धार्मिक और प्राकृतिक सामाजिक प्रश्न है। जब हम समाज बनाते हैं तो विवाह जैसी संस्थाओं की हमें जरूरत पड़ती है समाज को व्यवस्थित रखने के लिए। जी आज चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और बहुत आनंद आया और सत्यव्रत जी का बहुत बहुत आभार। मोहम्मद साजिद जी, जी, जी नमस्ते। आपके गीत का बहुत आनंद आया, हमने भरपूर आनंद उठाया। और दीक्षित नमस्कार। धर्मेश्वरी जी नमस्ते। थैंक यू जी, फिर जुड़ेंगे। नमस्ते।